तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 24 के टीयर 1 के ऑल इंडिया रैंक के बारे में। आपका ऑल इंडिया में दोस्तों कितना रैंक होना चाहिए ताकि आपका टीयर 1 का पेपर जो है क्वालिफाई हो जाए, पास हो जाए और आप मेंस का पेपर देने के लिए इलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो ये दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हार्ड टू इजी शिफ्ट के बारे में दोस्तों और भी जो है ज्यादा डाटा आया है पहले से, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये दोस्तों इस बार जो है मैंने अपडेट कर दिया डाटा, ये भी चार्ट में आपको दिखाऊंगा। 135 से ऊपर दोस्तों अब कितने बच्चे जो है हैं। अनस्वर की का दोस्तों लिंक जो है अपडेट हो गया है, अगर किसी ने अनस्वर की नहीं देखी है तो जाकर के दोस्तों अपनी अनस्वर की देख लो। ठीक है, कट ऑफ का भी दोस्तों मैं एक आइडिया दूंगा, रफ आइडिया। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, पल पल की अपडेट दोस्तों आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मैंने एक अनस्वर की का जो लिंक है यहां पर अपडेट किया है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस शिफ्ट के कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये दोस्तों मैंने डाटा बना दिया है हार्ड, मॉडरेट और इजी शिफ्ट। ठीक है, 36 शिफ्ट को दोस्तों तीन भाग में जो है डिवाइड कर दिया है, 1 से लेकर 12 तक। यानी कि सबसे जो है हार्डेस्ट शिफ्ट रही है 17 नवंबर की शाम की शिफ्ट, फिर 18 नवंबर की शाम की शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 20 नंबर इंक्रीज, इसमें 17, इसमें 16, ठीक है, इसमें 23, 14, इसमें 12। यानी कि हार्ड वालों दोस्तों 12 से लेकर 20 नंबर तक इंक्रीज होंगे मार्क्स। ठीक है, जो जिनकी शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, सिर्फ एक ही शिफ्ट के 20 नंबर है, बाकी के 17 से नीचे हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट की। मॉडरेट शिफ्ट में दोस्तों अगर बात करूं तो 8 से लेकर 11 नंबर तक इंक्रीज होंगे। कौन कौन सी शिफ्ट आती है दोस्तों, ये वाला डाटा जो है आपको कहां मिलेगा, ये चार्ट दोस्तों, ये वाला चार्ट यहां पर दोस्तों डाल दिया है, शिफ्ट वाइज मार्क्स इंक्रीज। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2009 जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी चीजों का दोस्तों वहां पर पता आपको लगता रहेगा। ठीक है, ये दोस्तों फिर क्या है, इजी शिफ्ट। अब इनके जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका कोई भी मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। पिछली बार दोस्तों सीजीएल 2023 के अंदर 26.5 नंबर जो है इंक्रीज हुए थे कैंडिडेट के। ठीक है, जो कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट में था। अभी दोस्तों और भी डाटा आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो इसमें चेंज होगा, बहुत ज्यादा इसमें अब चेंज होने की दोस्तों गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो हार्ड एंड इजी शिफ्ट का बस यही डाटा है, इसको आप ज्वाइन कर लो और जिसने दोस्तों देख लिया है अपने आराम से जो है आंसर की वगैरह देख ली है, सेटिस्फाई है, अपने मेंस की तैयारी में लग जाओ। और दोस्तों मेंस की तैयारी के लिए अंडरग्राउंड अगर आप होना चाहते हैं, आप चीजों से दूर रहना चाहते हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए लाइब्रेरी है, ये आपके लिए स्पेशल कैंपस है। ठीक है, यहाँ पर रहने का, फिजिकल का सब कुछ जो आपको मिलेगा। ये कहाँ पर है, ये दोस्तों एड्रेस आपका रेवाड़ी के अंदर जो कि हरियाणा में है, 70 किलोमीटर दूर है मात्र दिल्ली से, 1.5 घंटे का रास्ता। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको रहना, खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप भी मिलेगी, फिजिकल ट्रेनर मिलेगा। मेंटरशिप में आपको दोस्तों सौरभ यादव सर द्वारा जो है, जिनके ऑलरेडी 18 प्लस एग्जाम क्लियर हैं, वो जो आपको बताएंगे किस तरह से आपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, फोन अलाउड दोस्तों नहीं है। ठीक है, अपने लैपटॉप वगैरह जो है लेके जाना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आप फोन कर सकते हैं, 9470317 पर, ओनली फॉर बॉयज के लिए दोस्तों ये है। ठीक है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी, पूरा पूरा शेड्यूल है, ताकि आप जो को कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं, ना कोई भीड़ भड़ाका है, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट और एकदम हरा भरा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इनको फोन करके जो आप पूछ सकते हैं सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीयर 1 आपका क्वालिफाई नेचर का, आपको पता है 390 नंबर का टारगेट है। सीजीएल 25 के लिए भी जिन्होंने तैयारी करनी है दोस्तों वो अपनी स्टार्ट कर दे। अगर मैं बात करूं कि मार्क्स जो है आपके पिछली बार जो है 65,718 कैंडिडेट जो है इन इन कैटेगरी से पास हुए थे, टोटल जो है लगभग 70-75,000 कैंडिडेट पास हुए थे। ठीक है, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन वगैरह के थे कुछ कैंडिडेट, तो 65,000 इनके बचे थे, 36,000 जो है कैंडिडेट जो हैं इन कैटेगरी से जिनके यूआर कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे थे। ठीक है, तो इस बार दोस्तों आपको पता है कि 17,727 वैकेंसी हैं, ये लगभग 1,70,000 बच्चे अगर पास होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं मान के चलूं दोस्तों 1,70,000 का, तो लगभग दोस्तों 80-85,000 जो रैंक होगा वहां तक आपका टीयर 1 का पेपर जो है क्वालिफाई होगा। ठीक है, जिसका ऑल इंडिया में 80-85,000 रैंक आएगा यूआर कैटेगरी के, वो डेफिनेटली दोस्तों क्वालिफाई कर लेगा और बाकी कैटेगरी वाले तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मोटा मोटा 80-85,000 रैंक दोस्तों आपका ऑल इंडिया में होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि ऑल इंडिया में अभी तक 1,00,000 का दोस्तों
डाटा आ चुका है, 1 लाख कैंडिडेट ने रैंक मित्रा के वेबसाइट पर रैंक अपना चेक कर लिया और ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, उन्हीं की वेबसाइट ये डाटा लिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 190 से ऊपर एक बच्चा है, ठीक है, और नॉर्मलाइज्ड अगर कर दें तो 82 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मार्क्स इंक्रीज, जो शिफ्ट वाइज मैंने मार्क्स जो है इंक्रीज करवाया जो आपके, ठीक है, यहां पर 160 से ऊपर अगर बात करूं तो 5810 बच्चे हैं और नॉर्मलाइज्ड कर दो तो 15,000 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, दो गुना यानी कि डबल से भी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। 150 से ऊपर दोस्तों 16,000 और नॉर्मलाइज्ड के बाद इतने। 140 से ऊपर अगर हम बात करूं दोस्तों 32,000 हैं रा स्कोर और नॉर्मलाइज्ड के बाद कितने हैं 43,000, और 135 से ऊपर दोस्तों बात करूं तो 140,000 हैं और ये 51,000। अब दोस्तों यहां पर आपके आटक के यहां पर एक चीज सोचने की आ जाती है कि जब ऑल इंडिया में 80-85,000 रैंक तक बच्चा जो है 80-85,000 रैंक वाला बच्चा पास करेगा, ठीक है, तो दोस्तों ये अभी तक ये जो डाटा है ये सिर्फ 1 लाख का है, ठीक है, 1 लाख कैंडिडेट का है। तो जब ये डाटा दोस्तों 2 लाख का अगर हो गया, ठीक है, 2 लाख का हो गया तो क्या ये दोस्तों रैंकिंग जो है ये डबल नहीं जा सकती? ठीक है, अगर ये डाटा, क्योंकि एग्जाम दिया होगा लगभग 17-18 लाख लोगों ने, तो अगर मैं बात करूं कि ये डाटा इजिली डबल हो जाएगा, ठीक है, इजिली दोस्तों ये डाटा डबल हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 135 से तो दोस्तों नीचे संभावना बिल्कुल कम है, ना के बराबर है मेरे हिसाब से। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ और हो जाए, कुछ क्वेश्चन वगैरह का कुछ हो जाए तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपनी होप 130 प्लस वाले रखें, यूआर कैटेगरी वाले। ठीक है, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो साथ के साथ और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड दोस्तों ये वाला मामला है आपका 50,000, यानी कि 135 से ऊपर 50,000 है तो, और 80-85,000 ही जो है रैंक तक सिलेक्शन होना है। ठीक है, बाकी डाटा दोस्तों जैसे अपडेट होगा मैं आपको जो है इन्फॉर्म करता रहूंगा। ठीक है, सीएचएसएल 2024 का दोस्तों डाटा अगर आप देखेंगे कि 150 से ऊपर 16,600 थे और नॉर्मलाइज्ड में कितने थे 36,500 कैंडिडेट हैं। ठीक है, जब एक्चुअल डाटा आया तो 159 वाला जो है और एसएससी का 157 वाला डाटा जो है यहां पर मैच हो गया था। ठीक है, 157 और 159 दो नंबर का यहां पर डिफरेंस देखने को मिला था। ठीक है, तो इसलिए हल्की फुल्की जो चीजें हैं, और कैटेगरी वाइज अगर डाटा बताऊं दोस्तों ये रैंक मित्रा वेबसाइट का, तो ये है कि यूआर का जो है ईडब्ल्यूएस का जो है टॉप पर था यहां पर अभी तक का। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो है यूआर कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी का डाटा जो है यहां पर आ चुका है। ये डाटा आप जो है देख सकते हैं और ये डाटा भी दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे हम। ठीक है, ये है आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, नॉर्मलाइज्ड डाटा। ठीक है, जहां पर ये देखें 82 कैंडिडेट हैं 190 से ऊपर, यानी कि काफी अच्छे बच्चे हैं। तो ये वाला दोस्तों अपना टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहां पर आपको आंसर की का लिंक विंक सब कुछ जो है यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि यहां पर जो है ये वाला मामला जो है यहां पर इसका मामला जो है इससे प्लस ही मामला रहने वाला है, और ये मैंने ऑलरेडी जो है एक कट ऑफ में दोस्तों बहुत बार बता चुका हूं, लगभग इसके आसपास जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग दोस्तों इसके आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, और मैं मिनी एनालिसिस जल्दी लेके आऊंगा और फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बस यूं मैं कह रहा हूं कि अभी अगर 135 प्लस नंबर है तो बस जुट जाओ, आपके नॉर्मलाइज्ड 135 नंबर है, किसी का 120 नंबर है और नॉर्मलाइज्ड होकर 135 बने तो वो अपने जो है तैयारी दोस्तों जबरदस्त तरीके से कर ले। और अपने जो हमने दोस्तों एक छोटा सा जो है इस बार मेंटरशिप बैच जो है स्टार्ट किया था टीयर वन के लिए, जो उसकी एडमिशन 1-2 दिन ही किए थे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन जल्दी क्लोज इसके कर दिए थे, तो अभी मेंस के लिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा प्री का बच्चा जो है आया है उसके दोस्तों नॉर्मलाइज स्कोर 196.2 आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑल इंडिया में वो कैंडिडेट जो है टॉपर होगा लगभग ऑल इंडिया में दोस्तों, जब वो आएगा, मतलब टॉपर का मतलब ये है कि टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में दोस्तों उसका रैंक देखने को मिलेगा मेंस के अंदर। ठीक है, ऐसा हम जो है उनको गाइडेंस देंगे, और उस मेहनत तो दोस्तों देखो आपकी है, सिर्फ हम गाइड करेंगे, हमारे टच में रहोगे। ठीक है, आपके डाउट होंगे वो हम सोल्व करेंगे, मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो चाहे रीजनिंग का हो चाहे जीएस का हो। ठीक है, एक पूरी टीम है दोस्तों वो जो है इन चीज़ को हैंडल करती है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाएं, और टाइम बिल्कुल अब कम है, अब सब कुछ हो चुका है, और आंसर की का जो इश्यू चल रहा है वो दोस्तों जल्दी सोल्व हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।